Hello, this is Sesraj. Good morning. How are you? So today in AVS, we will read one chapter and the topic name is food, जो हम पिछले दो तीन दिनों से पढ़ रहे हैं food के बारे में. उसमें हम healthy food के बारे में 10 lines पढ़ चुके हैं पहले से, types of food पढ़ चुके हैं, जैसे body building food होते हैं, protective food होता है, वो हम पढ़ चुके हैं. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ फूड. सोर्सेज का मतलब होता है स्रोत, यानी कहाँ से मिलता है हमें भोजन, जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, सोर्सेज ऑफ फूड. तो देखिए, सोर्सेज ऑफ फूड में वी गेट फूड आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स. हमें भोजन जो है वो कहाँ से मिलता है, या तो प्लांट्स से मिलता है, पौधों से, पेड़ पौधों से, या फिर एनिमल्स से मिलता है, जानवरों से मिलता है. बट मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स. लेकिन ज़्यादातर हमारा जो खाना होता है वो किससे मिलता है, हमें प्लांट्स से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर पार्ट्स ऑफ प्लांट. सब्जियाँ हैं और फल हैं, ये पेड़ पौधों की पार्ट है ना. वी ईट रूट्स, हम जड़ें भी खाते हैं किसी किसी पौधे की, लीव्स, पत्तियाँ खाते हैं, एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स, फल खाते हैं. मतलब हम कई कई सब्जियां भी ऐसी होती हैं जिनकी हम जो है जड़ खाते हैं, और पत्तियां भी खाते हैं, और क्या खाते हैं, प्लांट्स की हम फ्रूट्स खाते हैं. तो ज़्यादातर हमें खाना जो है वो कहाँ से मिलता है, प्लांट्स से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है. सो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो किसके पार्ट है, ये प्लांट्स के पार्ट है, पेड़ पौधों की पार्ट है. और हम जड़ें खाते हैं, रूट्स खाते हैं. पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ा था ना हमने एक बार, तो रूट्स होता है ना प्लांट का पार्ट, तो वो खाते हैं हम. लीव्स मतलब पत्तियाँ, लीफ का मतलब पत्ती, एक पत्ती, और लीव्स का मतलब प्लूरल, पत्तियाँ. तो हम रूट्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं, और फ्रूट्स खाते हैं प्लांट के. तो इधर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स. ओके, सम वेजिटेबल्स आर ईटन रो. कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जो हम उनको कच्चा खाते हैं, बिना पकाए खाते हैं. कौन कौन सी खाते हैं बता सकते हैं? गाजर भी खा सकते हैं कच्चा हम, गाजर, मूली, टमाटर, प्याज, सलाद के रूप में खाते हैं ना. तो सम वेजिटेबल्स आर ईटन रो एज सैलेड. कुछ सब्जियाँ हम सलाद के रूप में कच्ची खाते हैं. वाइल्ड सम आर कुक्ड फॉर ईटिंग. जबकि कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिनको हमें खाने के लिए क्या करना पड़ता है, पकाना पड़ता है. अब जैसे गाजर हमने बताया कच्चा खाते हैं, तो गाजर को हम पका के भी खा सकते हैं. टमाटर भी हम सब्जी में डाल के खाते हैं, प्याज भी हम सब्जी में डाल के खाते हैं. तो इस प्रकार से कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं, जबकि कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम कच्चा नहीं खा सकते लेकिन उनको पका के खाना पड़ता है. और कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं. सो सम वेजिटेबल्स आर ईटन रो. कुछ सब्जियाँ कच्ची खाई जाती हैं. वाइल सम आर कुक्ड फॉर ईटिंग. जबकि कुछ सब्जियाँ खाने के लिए हमें पकानी पड़ती है. फिर है ये प्लांट्स की बात हुई है ना, कि प्लांट्स से हमें क्या मिलता है, कैसे मिलता है. फिर वी ऑल्सो गेट एग्स. एग्स का मतलब अंडे होते हैं, ये एस लगा हुआ है, इसके प्लूरल है एग्स. अंडे, फिश, जानते हैं आप सब, मछली, चिकन, मटन फ्रॉम द एनिमल्स. एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है, एग्स, अंडे मिलते हैं, फिश मिलती है, चिकन मिलता है, मटन मिलता है, दूध भी मिलता है हमें, हनी मिलता है, शहद भी मिलता है हमें एनिमल से, पनीर, बटर, वो सब दूध का बनता है ना. तो हमें एनिमल से वी ऑल्सो गेट एग्स, फिश, चिकन, मटन फ्रॉम द एनिमल्स. आप इधर स्क्रीन पे भी देख रहे हैं फोटो में, एनिमल, मीट मिलता है हमें, चिकन मिलता है, फिश मिलता है, चीज़. अब आप सोचेंगे चीज़ एनिमल से कैसे मिलता है, तो वो दूध, घी जो होते हैं ना, वो किससे मिलते हैं, हमें एनिमल्स से मिलते हैं. तो हमें एनिमल्स से एग्स, अंडे मिलते हैं, फिश मिलती है, मछली, मछली के भी अंडे होते हैं, चिकन मिलता है हमें, मुर्गी जो होते हैं, मटन मिलता है हमें, बकरे का जो मीट होता है उसको मटन बोलते हैं, मुर्गी का जो मीट होता है उसको चिकन बोलते हैं,
आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो लेफ्ट साइड में है ये जो प्लांट्स से मिल रहा है हमें, पीपर, मैंगो, पियर, पीच, ग्रेप्स, प्लम। और जो राइट साइड में है चिकन, काउ। अब देखिए सोर्सेज ऑफ फूड में हमने समरी टाइप बनाया है। प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है, देखिए दो प्रकार में इसको विभाजित किया गया है, ग्रेन्स एंड पल्सेस। ग्रेन्स का मतलब अनाज, पल्सेस का मतलब दाल खाते हैं ना, उड़द की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल। तो राइस, व्हीट, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, बीन्स, ये ग्रेन्स होती हैं, पल्सेज होती हैं। फिर इसमें होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो सारे फ्रूट्स इसमें आते हैं। तो प्लांट फूड्स एंड एनिमल फूड्स, एनिमल में देखिए आप चिकन है, काउ है, डक है, स्नेल है। स्नेल जो है ना वो घोंगा होता है, घोंगा बोलते हैं स्नेल, एक शंख टाइप का होता है उसमें। ये देखिए फूड फ्रॉम एनिमल्स, इसको भी हमने समराइज किया है। एनिमल से हमें क्या मिलता है, हैन। हैन से हमें क्या मिलता है, एग्स, पोल्ट्री। काउ से क्या मिलता है, मिल्क, मीट, बटर, चीज़। गोट्स, बकरी से क्या मिलता है, मिल्क, मीट, चीज़। फिश से क्या मिलता है, फिश, कैवियर, फिश एग्स होते हैं जो। बीज, मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है, शहद मिलता है। तो एग्स, मिल्क, मीट, फिश, बटर, चीज़, ये सारे एनिमल्स से मिलते हैं। तो फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हमें हम आपको समझाना चाह रहे थे आज कि फूड हमें किससे मिलता है, प्लांट एंड एनिमल्स से। और ज़्यादातर हम खाना जो खाते हैं वो हमें किससे मिलता है, प्लांट्स से मिलता है, जैसे सब्जियाँ हो गई, दालें हो गई, और दूध वगैरह हो गए, बटर, पनीर, ये सारे हमें किससे मिलते हैं। अच्छा, बटर पनीर जो है वो एनिमल्स से हो गया, लेकिन सब्जियाँ और फ्रूट्स जो है वो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं। सो वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आज हमने पढ़ा है सोर्सेज ऑफ फूड। इससे पहले हम हेल्दी फूड के बारे में 10 लाइन पढ़ चुके थे और टाइप्स ऑफ फूड पढ़ चुके थे। आज हम सोर्सेज ऑफ फूड पढ़ चुके हैं और अगला जो हम लेके आएंगे वीडियो, उसमें हम पढ़ेंगे मील्स ऑफ अ डे, यानी एक दिन में हम खाना जो खाते हैं उसको क्या क्या बोलते हैं। जैसे सुबह खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं ना, उसी प्रकार से हम दोपहर में खाते हैं, रात में खाते हैं, तो उस खाने को हम क्या बोलते हैं, पहले भी आपको बताया हुआ है लेकिन फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो आज हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ फूड, तो भोजन हमें कहाँ से मिलता है, दो चीज़ें हमने बताई मुख्यतः, प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। सो आप इसको याद कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।